नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। ताइवान ने चीन में फिर से की घुसपैठ। ताइवान हवाई रक्षा सीमा में घुसे 3 चीनी लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया और कहा कि इससे देश के आंतरिक रक्षा कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार होगा। भारत चीन सैन्य वार्ता फिर रही बेनतीजा। LAC के पास और बाकी इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है चीनी सेना। रक्षा क्षेत्र की फ्रांस की अग्रणी कंपनी थेल्स समूह के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिस केन ने कहा कि कंपनी भारत में अपना विस्तार करने पर गौर कर रही है, खास तौर पर उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सशस्त्र बलों के लिए अहम होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश से उच्च तकनीक वाली नौकरियां पैदा होगी और तकनीकी विकास में मदद मिलेगी। तेलंगाना और उत्तराखंड देश के पहले ऐसे राज्य बन गए हैं जहां दूर दराज के स्थानों से साक्ष्य रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए अदालत की मोबाइल इकाइयां शुरू की गई है। महिलाओं, बच्चों सहित गवाहों तथा पीड़ितों को उन परिस्थितियों में साक्ष्य रिकॉर्ड करने की सुविधा देने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से अदालतों के समक्ष पेश होने में असमर्थ होते हैं। दक्षिण भारत में नवरात्र के शुरू होते ही मुंबई कुल्लू भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि के दौरान केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गंधारी अम्मन कोबिल मंदिर में देवताओं के लगभग 2500 लघु मूर्तियों में मुंबई कुल्लू भी शामिल हैं। देश की 7 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शामिल हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र बंद। यूपी में प्रियंका तो गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम मौन व्रत पर बैठे। राज्यसभा सदस्यों के विभाग से संबंधित स्थायी समिति में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कम उपस्थिति रहने के कारण बदले गए 50 राज्यसभा सदस्य। जस्टिस राजेश बिंदल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा के जरिए LP मूवमेंट का आगाज किया, जिसमें तेज प्रताप यादव के बुलावे पर भी तेजस्वी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। कोरोना संक्रमण का हवाला देकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर राजधानी दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है। पंजाब कैबिनेट 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने को लेकर आज ले सकती है बड़ा फैसला। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ के झज्जर में DC श्यामलाल पूनिया एवं SP राजेश दुग्गल ने संयुक्त मोर्चा की टिकरी बॉर्डर कमेटी के नेताओं संग बैठक की और रास्ता खोलने को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार की ओर से सबको भोजन पर्याप्त पोषण कार्यक्रम का उत्तराखंड के डोईवाला के मजरी ग्रांट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रदेश सरकार अन्न महोत्सव के रूप में मना रही है। झारखंड के धनबाद लिपिड ट्रेन में एक पेंटिकार स्टाफ ने दिव्यांग लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवती एवं उसके पिता से मारपीट भी की गई। आरोपी को हटिया स्टेशन पर पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 39 साल सेवा देने वाले सेवानिवृत्त चालक GP प्रसाद को सीनियर DOM ने घर तक छोड़ा, जिसके बाद स्वजनों की आंखें भर आई। मध्य प्रदेश के खांडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेंगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जमा हुए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। इनमें जिन नामांकन पत्रों में दस्तावेज कम मिलेंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता कन्हैया कुमार ने फतेहपुर में किया प्रचार। बोले, मोदी देश की संपत्ति बेचकर ऐसो आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को चाय बेचने वाले का बेटा बोलते हैं और व्यवहार राजा वाला करते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। वहीं राजदान पास में हिमपात के कारण बॉडीपोर गुरेज सड़क को आम वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। कोलकाता पुलिस ने दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए अपने विशेष बलों के कमांडो की तैनाती सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं प्याज भी 50 रुपए के पार बिक रही है, जबकि सरसों के तेल 200 रुपए से अधिक कीमत पर बिक रहे हैं।
लखीमपुर खीरी जिले में किसानों की हत्या के विरोध में राज्य की तीन सत्तारूढ़ दलों द्वारा बुलाए गए महाराष्ट्र बंद के मद्देनजर ईस्टर्न हाईवे पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करने वाले 9000 से अधिक वकीलों पर रोक लगा दी है। जो वकील यह परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं उन्हें राज्य में किसी भी अदालत में वकालत नहीं करने दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने उर्वरक के अवैध निर्यात के एक मामले में पूछताछ के लिए फिर तलब किया था, आज जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।